दोस्तों, हर इंसान उस इंसान को ढूंढ रहा है जो उसको समझ सके, उसका दिल समझ सके, उसको प्यार करे। पर वही इंसान हम खुद क्यों नहीं होते अपने लिए? हम खुद क्यों नहीं हो सकते अपने लिए? हमारी सबसे खराब बात है, हम सबसे प्रश्न करना जानते हैं, सबसे सवाल करते हैं अपने आप को छोड़कर। सबसे सवाल करना जानते हैं एक इंसान को छोड़कर खुद को, क्योंकि खुद से सवाल करना मुश्किल है। खुद को उलझा कर रखते हैं कि चलो कल से हम सब शुरू करेंगे, सब कुछ सही से करेंगे, लेकिन फिर भटक गए बीच में। अब हम क्या कर रहे होते हैं? बस इंतजार एक दुर्घटना का, एक झटके का, तब जागते हैं। सूरज की धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर को कभी नहीं सुखा सकती। ऊपर वाले ने भी हमें असीमित ऊर्जा दी है, एक मकसद से भेजा है। अब वो मकसद क्या है, हमें ढूंढना है। खूबसूरत जिंदगी हमारा आगे इंतजार कर रही होती है, बस हमें खुद को उस राह पर वापस लाना है। अभी इतनी हिम्मत करनी है। हमारे कल में जो हुआ अब वो खत्म हो चुका है। हमारे सामने हमारा भविष्य है जिसको हम सुधार सकते हैं, और यदि भविष्य सुधर गया तो हमारे कल में हम कितने असफल थे, कितनी गलतियां किए, इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने काफ़ी गलतियां की हैं, शुरू किया था पहले फिर रुक गए, ठीक है, पर अब सीखेंगे और फिर से वापस आएंगे शुरू करने, खुद के लिए फैसले लेने। अब शुरू करेंगे, टालेंगे नहीं, इतनी हिम्मत करनी है। कल क्या हुआ था उसे भूलना है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, कितने परेशान हैं, किसी को कोई नहीं फर्क पड़ रहा। हम बंद कमरे में कितना मेहनत कर रहे हैं, किस हालात में हैं, किसी को फर्क पड़ेगा भी नहीं। हम अकेले हैं ना, तो अपने हिम्मत को अपना साथी बनाना है, मेहनत को अपना साथी बनाना है, अपने काम को साथी बनाना है, अपने सपने को अपना सब कुछ बनाना है, अपने कर्म के साथ समय बिताना है। समय बीतेगा, बदलेगा, और हम फिर देखेंगे चमक के कैसे निकलेंगे। और क्या खूब किसी ने लिखा भी है कि तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है, तेरे वजूद की तो समय को भी तलाश है। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम। मैं हूँ आपकी दोस्त जागृति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बारिश वाले सुबह में। ये वीडियो काफ़ी पुराना है, नागपंचमी वाले दिन का है, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी ये वीडियो डालने को, लेकिन कुछ अलग अलग ही सारा जा रहा था। आज नागपंचमी का दिन था, तो सुबह सुबह आज हमारे घर क्या होता है कि पहले दूध लावा चढ़ाया जाता है, पूरे घर में रखा जाता है। आंवले के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसके दोने बनाए जाते हैं छोटे छोटे। तो सुबह सुबह बैठकर पापा के साथ तो सबसे पहले यही ड्यूटी थी हमारी, दोने बनाना। और फिर इसके बाद मम्मी जब नहा करके आई तो हम गए थे नहाने के लिए, और फिर सारे घर में दूध लावा रख, क्योंकि पहले पूजा हो जाती है उसके बाद ही चूल्हा जलता है, तभी कोई पानी पीता है। तो सबसे पहले पापा के लिए चाय बनाया था, और फिर आज की स्पेशल थाली हमने प्रिपेयर की और आदू के लिए यहाँ पे लगाई थी। आज अलग खाना बनता है, पूरी कचौरी, सब्जी, सेवई। और आप सभी को पता है आज आदू का बर्थडे भी था, जिसके लिए हमने सोचा था मार्केट से ही केक लेने को, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी बाहर कि हमारा कोचिंग जाना हो ही नहीं पाया था। तो घर पर ही हमने बिस्किट जो मंगा के रखे हुए थे उसी से अपना चॉकलेट वाला केक घर पर ही बनाया था। तो बिस्किट को दूध के साथ मिक्स करके अभी हमने पेस्ट बना लिया था, इनो डाल दिया था, बटर पेपर हमारे पास तो था नहीं, तो बस आटे को तेल लगाकर कटोरी में हमने अच्छे से लपेट दिया और उसमें अपना बैटर डाल दिया, कढ़ाई में हमने बेक कर दिया। शाम होते होते तो बिल्कुल ही मौसम खुल गया था, और अभी पछतावा हो रहा था कि घर पर क्यों केक बनाया। वैसे आदू को ये केक बहुत अच्छा लगता है, तो ये संतुष्टि दे रहा था कि चलो आदू के मन का था। बाकी सुबह के बाद अब जा करके टाइम आया था हमारे पढ़ाई के रीस्टार्ट का। मौसम बाहर का काफ़ी अच्छा था, तो छत पर ही हम अपनी बुक लेकर के आ गए थे पढ़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए मम्मी आदू के लिए बनाई है एक उसकी टेस्टी नारियल वाली बर्फी। वैसे नारियल के साथ साथ इसमें मम्मी ने मूंगफली भी मिक्स किया है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। कमेंट आया था अपनी बुक लिस्ट शेयर करने के लिए DT+GPRT की। वैसे ये रिक्वेस्ट तो बहुत दिनों से आ रही थी और मैं भूल जा रही थी बार बार। फाइनली आज ये वीडियो बनने जा रही है। मेरी बुक लिस्ट काफ़ी मिनिमल है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा होता है एक ही बुक को 10 बार पढ़ना। सोर्सेस हमारे बिल्कुल मिनिमल होने चाहिए, ऑथेंटिक होने चाहिए, जितने ज़रूरी हो बस उतने ऑथेंटिक हो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे समझ से भी। ये सारे बुक्स जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मैंने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करी है। उम्मीद है कि आप सभी को भी इससे अपने लिए बुक सेलेक्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे DT+GPRT का जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और GK GS वाला पोर्शन होता है 100 नंबर का, और दूसरा 100 नंबर कैरी करता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी वाला भाग।
जब मैंने डीएलएड के बाद यूपीटेट और सीलेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो उस समय मैंने यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीखा था, हिमांशु मैम से, सचिन सर से काफ़ी कुछ पढ़ा था, बेसिक क्लियर हुआ था, पेडागॉजी भी क्लियर हुई थी। सीलेट एग्जाम देने के बाद पिछले साल मार्च में ही पता चलता है कि DT+B की वैकेंसी आने वाली है, बिल्कुल 4-5 महीने ही हमारे पास है। तब उस समय थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी कि क्या किया जाए, 4 से 5 महीने ही है बस हमारे पास, तो समय कम था। इस वजह से लगा कि करियर बोर्ड पर जो बैच आया है वो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय यही सूझ रहा था, समय चूंकि कम था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिना कोचिंग हमारी तैयारी नहीं हो सकती है। कोचिंग का कॉन्सेप्ट यही है हमारे समय को बचाना, जो कॉन्सेप्ट जो समझ हम डेवलप करते हैं खुद से पढ़ के, खुद से मेहनत करके, वो समय हमारा कोचिंग ज्वाइन करने पर बच जाता है। जो हम खुद से करते करते गलतियों से अपने सीखते हैं, वो गलतियां हमारी हमें पहले ही पता चल जाती है, सब कुछ पहले ही क्लियर हो जाता है, टीचर की मदद से हम उन गलतियों को पहले ही क्लियर कर लेते हैं। तो कोचिंग लेना या ना लेना इस बात पर बिल्कुल डिपेंड है कि हमारे पास समय कितना है। बाकी मेरे बैच की अवधि समाप्त हो चुकी है, कोचिंग से हमें काफ़ी मदद मिल जाती है, लेकिन सेल्फ स्टडी का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने DT+CPRT एग्ज़ाम की। किसी भी एग्जाम को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है उसका एक तो PYQ और दूसरा उसका सिलेबस, क्योंकि DT+B कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस हमें प्रोवाइड नहीं कराता है। तो इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा PYQ पेपर, पिछले 5 साल के 6 साल के पेपर हमें जो मिलते हैं उसका अच्छे से एनालिसिस करना बकायदे बैठ करके, कि कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया हमें ज़्यादा कवर करना है, कौन सा पोर्शन है सब्जेक्ट का कि जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा हमारे बन रहे हैं। या तो ये काम हम खुद से कर सकते हैं PYQ सारे निकलवा करके, या फिर हम कोई PYQ सॉल्व पेपर ले सकते हैं, जैसा कि मेरे पास है एग्जाम कार्ड का, इसमें सारे पेपर दिए हुए DT+CPRT TGT PGT सारे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो हमारा ये मेहनत थोड़ा बचा देता है। ये बुक अच्छी बुक है, यदि हमारे पास बुक नहीं है प्रीवियस ईयर की तो हम ये मंगा सकते हैं, या फिर यदि हमें अनसॉल्व पेपर चाहिए तो वो हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कोई दुकान से बुक हम परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने बुक लिस्ट की। आज हम PRT पार्ट ए की बात करने वाले हैं, अगले वीडियो में हम पार्ट बी कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सब्जेक्ट पढ़ना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 100 नंबर का जनरल पेपर होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK GS पूछा जाता है। 100 नंबर का ये पेपर रहता है, 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी भी 20 नंबर की पूछी जाती है और काफ़ी अच्छी पूछी जाती है। 14 से 15 क्वेश्चन तो हम इजीली कर जाते हैं यदि हमारी ग्रामर अच्छी है और हमें समझ है हिंदी की, तो बाकी 4-5 नंबर के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है क्योंकि वही हमें मेरिट लिस्ट में स्थान दिलाता है। हिंदी की नोट्स की बात करें तो हिंदी की नोट्स मैंने करियर पर सर अरुण सर पढ़ाते हैं, वहीं से मैंने सारा अपना नोट्स बनाया था। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, यदि हमने बैच नहीं लिया है तो यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। बस हमें ये ढूंढने में जरूर समय लगता है कि कौन सा टीचर बेस्ट है, किसका हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा सोर्स ऑथेंटिक है। यदि बुक से भी हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बुक भी ले सकते हैं कोई भी अच्छी सी। मेरे पास आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है ये, इसमें सारा टॉपिक क्लियर किया हुआ है कॉन्सेप्ट के साथ, प्लस इसमें इतने सारे क्वेश्चन है कि सारा प्रैक्टिस भी हो जाता है अच्छे से। तो ये बुक भी हम ले सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन की है ये बुक। लेकिन यदि हमारे पास आदित्य के सिवाय कोई दूसरी बुक है तो वो भी बुक अच्छी है। ज़्यादा ज़रूरी है हमें PYQs को अच्छे से करना, PYQ मस्ट है चाहे बुक हमारी कोई भी हो। सेकंड बात करते हैं हम हमारी इंग्लिश की। इंग्लिश के बारे में मैंने काफ़ी बार आप सभी से बात किया है रवि मौर्य सर के वीडियोस की। इंग्लिश 2 पार्ट में है हमारा, ग्रामर और वोकैब। ग्रामर के लिए रवि मौर्य सर से बेस्ट मुझे आज तक अभी तक कोई भी नहीं मिला है। उत्कर्ष क्लासेस पर उनकी प्लेलिस्ट है, 100 से 110 वीडियोस हैं। यकीन मानिए यदि अभी तक हमारे ग्रामर रूल्स क्लियर नहीं है ना, तो एक बार हमें ज़रूर देखना चाहिए रवि मौर्य सर के प्लेलिस्ट, उनकी वीडियोस, उनकी क्लासेस। सर ने इतने अच्छे से क्लियर किया है सारे इंपॉर्टेंट रूल्स ग्रामर के। मैंने मेरी ग्रामर वहीं से कंप्लीट करी थी, इवन मैंने बैच भी ले लिया था, लेकिन फिर भी मैंने बैच की क्लासेस देख कर कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मुझे रवि मौर्य सर की जो क्लास है उनके नोट्स हैं बहुत अच्छे लगते थे। अब यदि बात करें वोकैबलरी की, जो कि काफ़ी वास्ट है, उसकी प्रिपरेशन मेरी करियर व्हील पर जो PDF मिली थी वोकैब की, उसी से अभी चल रही है। बाकी यूट्यूब पर तरुण ग्रोवर सर है, उन्होंने अपने टेलीग्राम पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड और idiom phrase का कुछ PDF उन्होंने भी प्रोवाइड कराया था, तो वहाँ से भी मैं देखती हूँ। इसके अलावा नीतू सिंह मैम की जो बुक है प्रिंट टू पैरामाउंट Volume 1, यदि हम चाहते हैं ग्रामर और वोकैब दोनों का हमारा एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए तो वो बुक बेस्ट है। साथ ही साथ हमें अपने प्रीवियस ईयर को अपने पास रखना है, प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी वोकैब के पार्ट्स हैं चाहे वो ग्रामर के पार्ट्स हैं उनका हमें प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है। फिलहाल मेरे पास अभी प्रिंट टू पैरामाउंट बुक नहीं है Volume 1, ऑर्डर भी कर दिया था, डिलीवरी भी हो चुकी है, लेकिन बुक हमारे पास ही डिलीवर नहीं हुई है, शायद पोस्ट ऑफिस पे आई होगी, लेकिन जब भी वहाँ जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस भी बंद रहती है। एक काम हम और कर सकते हैं, SSC का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, अपनी काम की चीज़ें वहाँ से हम निकाल सकते हैं, वहाँ से वो कैबलरी का पार्ट निकाल सकते हैं। TCS चूंकि दोनों एग्जाम कंडक्ट कराती है तो अपनी काम की चीज़ें हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे वो कैब का हो गया, ग्रामर के कुछ पोर्शन हो गए, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें हम वहाँ से भी ले सकते हैं।
अब हम बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स की। चूंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है तो मैथ्स के लिए जो मेरी प्रेफरेंस है वो है PYQ बुक, साथ में आदित्य रंजन सर की क्लासेस। काफ़ी हेल्पफुल है सर की क्लासेस, सर बेसिक से एडवांस तक जाते हैं। तो मैथ्स के लिए हमने PYQ से टॉपिक देखा, क्वेश्चन सॉल्व किए, जहाँ हम अटके वहाँ पर हम सर की क्लासेस देख सकते हैं। साथ में हमने टेस्ट बुक पे टेस्ट भी परचेज किया हुआ है, तो वहाँ से भी हमें और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो हम वहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए। SSC के प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो। आदित्य रंजन सर भी अपने टेलीग्राम चैनल पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर भी देते रहते हैं CGL, CHSL और MTS के, तो हम वहाँ से भी अपने काम की चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे ही रीजनिंग के लिए भी हम प्रीवियस ईयर पहले देख सकते हैं, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में पूछ जाते हैं हम वो देख सकते हैं। रीजनिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था अरुण सर की क्लासेस से, जो कि बैच हमने ज्वाइन किया था वहाँ पर सर पढ़ाते थे। उनका एक चैनल भी है रीजनिंग बाय अरुण सर करके, तो यदि हमें यूट्यूब से तैयारी करनी है तो हम विक्रमजीत सर को फॉलो कर सकते हैं या फिर अरुण सर को, दोनों ही सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। टेलीग्राम पर भी वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। SSC के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना इसलिए भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि TCS दोनों एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है। तो SSC के CHSL, MTS और CGL के प्री के क्वेश्चन हम वहाँ से निकाल सकते हैं अपने काम की चीज़ें, जो टॉपिक दोनों एग्जाम में मैच हो रही हैं वो टॉपिक हम वहाँ से उनके PYQs निकाल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर विक्रमजीत सर की जो बुक आती है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कोई भी रीजनिंग की बुक है तो कॉन्सेप्ट हम वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। PYQ से हमें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, चाहे वो SSC के हो, चाहे वो DSSSB एग्जाम के हो। अब हम बात करते हैं GK GS की, जो कि काफ़ी वास्ट है, तो फिर से यहाँ पर PYQ की रोल आती है सबसे बड़ी वाली, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि यदि हम इसको पढ़ते ही रहे तो कभी ख़त्म भी नहीं होगी, और शायद जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में भी हमें ना देखने को मिले। तो PYQ यहाँ पर हमें सबसे पहले तो देख लेना है, और जो वहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं वो हमें छाट लेने हैं, इसके बाद हमें उन टॉपिक की तैयारी कर लेनी है। यदि मैं मेरी बात करूँ तो मेरी तैयारी कभी NCERT बुक से चलती रहती है, कभी ये लूसेंट की मेरे पास बुक है इससे चलती रहती है, तो कभी जो करियर पेपर क्लासेस देखने के बाद जो नोट्स बनाए थे उन नोट्स से चलती रहती है। PYQ देखने के बाद ये तो समझ लिया कि टॉपिक कौन कौन से हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, तो बस जहाँ भी काम की चीज़ें दिख जाए हमें वो हमें वहाँ से ले लेनी है। यूट्यूब पर कुछ चैनल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे GK GS की तैयारी के लिए, जैसे कि परचम क्लासेस, खान सर की वीडियोस, उनकी क्लासेस, प्रवीण सर की इड्यूटेरिया चैनल, इसके बाद Crazy GK Trick जो कि काफ़ी हेल्पफुल है हमारे करंट अफेयर की प्रिपरेशन के लिए, साथ में Static GK के लिए। Static GK के लिए परचम क्लासेस भी काफ़ी बेस्ट है, वहाँ पर जो मैम पढ़ाती हैं उनकी क्लासेस काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो GK GS की प्रिपरेशन हम इन कुछ चैनल्स की मदद से कर सकते हैं, साथ में ये जो लूसेंट की किताब है ये काफ़ी अच्छी किताब है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, अधिकांशतः क्वेश्चंस इससे मिले हैं मुझे। तो हमें पहले तो ये छाट लेना है कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रिपरेशन यहाँ से। स्टैटिक के लिए वीडियोज़ हम यूट्यूब पर देख सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए हम 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की वीडियोज़, Crazy GK Trick की जो उनकी मंथली आती है वीडियोज़ वो देख सकते हैं, या फिर कोई भी बुक ले सकते हैं, घटा चक्र हो गया। तो ये थी मेरी सारी बुक लिस्ट, मैंने अब मेरे हिसाब से चूज़ करी है सारी, उम्मीद है आप सभी को भी काफ़ी मदद मिला होगा अपने लिए चूज़ करने में। बाकी ये जो सोर्सेस हैं इनको हम किस तरह से अपने लिए अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्या क्या हमें कहाँ से छांटना है, ये सब हम आगे आने वाले ब्लॉग्स में जानते रहेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। बाकी इन्हीं कुछ बातों के साथ चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो ब्लॉग में।